स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं द मिर्ची न्यूज। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बीएसटीसी की एग्जाम इस साल कब होगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब भरे जाएंगे, क्या उनकी फीस रहेगी, कौन कौन ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा जो भी बीएसटीसी के रिगार्डिंग आपकी क्वेरीज हैं उन पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। और जो प्री डीएलएड परीक्षा है वो कौन आयोजित करवा रहा है, इससे रिलेटेड सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, सामान्य और संस्कृत की जो परीक्षा है वो कब होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो ये है बीएसटीसी 2020 के लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कि क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कब ये ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे और कौन कौन ये फिल कर सकता है। देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपको यहां बताने जा रहे हैं, जो आवेदक 2020 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वे भी आवेदन हेतु पात्र होंगे, परंतु उन्हें काउंसलिंग के समय तक 12th का रिजल्ट जारी हो जाना अनिवार्य है। सीधी और क्लियर कट बात यह है कि 12th की स्टडी करने वाले स्टूडेंट बीएसटीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि विभाग ने अगर ये बोला है कि उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं, तो काउंसलिंग की जो बात है, काउंसलिंग होती है जून जुलाई तक और रिजल्ट आ जाता है 12th का मई में ऑलमोस्टली रिजल्ट आ जाते हैं, और बीएसटीसी की जो एग्जाम होती है वो मई में ही होती है, तब तक 12th के रिजल्ट ऑलरेडी जारी हो जाते हैं। तो सीधी बात यह है कि जो भी 12th के स्टूडेंट हैं वो आराम से इसमें अप्लाई करें, बेझिझक अप्लाई करें और तैयारी करें। जैसे ही उनकी एग्जाम हो जाती है, मार्च के लास्ट वीक में 12th के स्टूडेंट की एग्जाम हो जाएगी, उसके बाद में वो इसकी तैयारी करें और बीएसटीसी के लिए जो फॉर्म है वो भी वो भर सकते हैं। और भी जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो हम आपको यहां पर बताने वाले हैं कि बीएसटीसी की डेट्स हैं वो क्या हो सकती हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है, सिलेबस का भी हम आपको यहां पर सारा डेटा देंगे। एक सबसे बड़ी बात, बीएसटीसी परीक्षा इस बार पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं निदेशालय बीकानेर, जो प्रारंभिक शिक्षा को मैनेज करता है राजस्थान सरकार का डिपार्टमेंट, वो इस बार बीएसटीसी की परीक्षा आयोजित करवाएगा। पिछली बार भी ये परीक्षाएं प्रारंभिक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं निदेशालय बीकानेर ने ही आयोजित करवाई थी। इसके अलावा हम सारी बात करेंगे कि कौन जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, रिक्वायर्ड मार्क्स हैं, वो क्या क्या रहेंगे बीएसटीसी के लिए। देखिए, बीएसटीसी के लिए जो रिक्वायर्ड मार्क्स हैं वो जनरल के लिए 50% मार्क्स रहेंगे, एससी एसटी के लिए 45%, ओबीसी के लिए 45% और बाकी कैटेगरी हैं उनके लिए भी 45%। तो इसका सीधा मतलब ये है कि जो बीएसटीसी 2020 के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के लिए जो रिक्वायर्ड मार्क्स रहेंगे वो जनरल के लिए 50 और एससी एसटी के लिए 45 और भी जो बाकी कैटेगरी हैं वो उनके लिए ये मार्क्स सेम रहेंगे। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं बीएसटीसी की एज लिमिट की भी हम यहां पर बात करेंगे, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में हमने बता दिया है। देखिए, बीएसटीसी एज लिमिट 2020, कैंडिडेट नॉट एग्जिस्ट 28 ईयर ऑफ एज ऑन 1 जुलाई। यहां पर ये जो अपडेट है वो 2019 के एग्जाम के समय का था, इसलिए यहां पर 2019 लिखा हुआ है, लेकिन इस बार की अगर काउंटिंग हम करेंगे तो 2020 में जो भी स्टूडेंट है, जो भी कैंडिडेट है, वो 28 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए और 12th में एपीयर है, मिनिमम जो है वो 12th में एपीयर होना चाहिए उसकी एज कितनी भी हो, और मैक्सिमम है वो 28 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी की,
कि क्या रहेगी एप्लीकेशन फी। जनरल है, जो भी जनरल के लिए है एप्लीकेशन फीस ओनली जनरल के लिए 400 रुपए रहेगी, और बीएसटीसी जनरल विद संस्कृत, जो जनरल एग्जाम और संस्कृत दोनों की एग्जाम देगा उसके लिए 450 रहेगी। सभी कैटेगरी के लिए, देखिए यहां पर लिखा हुआ ऑल कैटेगरी, मतलब केवल बीएसटीसी के लिए 400 रुपए और बीएसटीसी प्लस संस्कृत बीएसटीसी के लिए 450 रुपए ये एग्जाम फीस रहेगी। इसके अलावा हाउ टू अप्लाई का हम और बताएंगे। इसके अलावा हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कब तक स्टार्ट होने वाले हैं। देखिए पिछले साल की अगर बात करें 2019 की, तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए थे 18 मार्च 2019 से। इस बार अभी तक ये मार्च का थर्ड वीक चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई विज्ञप्ति आई नहीं है। हालांकि जहां तक अपडेट्स आ रहा है, इसी मार्च के अंतिम वीक में ये शुरू होने के चांस हैं। इसके साथ ही हम आपको बता देंगे पीटीईटी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो शुरू है और जल्द ही उनकी क्लोजिंग हो रही है। पीटीईटी के एप्लीकेशन फॉर्म इस बार जनवरी में ही शुरू हो गए थे, और पिछली बार बीएसटीसी के एप्लीकेशन फॉर्म 18 मार्च से शुरू हुए थे, 18 अप्रैल उनकी लास्ट डेट थी, और जो एग्जाम हुई थी पिछली बार वो 26 मई को हुई थी। इस बार भी 26 मई ही एक्सपेक्टेड है, मई के लास्ट वीक में एग्जाम होगी। इसके अलावा और भी जो जानकारी है वो हम आपको यहाँ पर सर्च करके बता रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि क्या और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले ये पाठ्यक्रम और बता देते हैं हम आपको बीएसटीसी का, और इसके अलावा यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए बता देते हैं। एप्लीकेशन फी की बात ऑलरेडी हो चुकी है, शैक्षणिक योग्यता उसकी बात हो चुकी है, और ये जो है वो रिजल्ट डिक्लेरेशन उनकी बातें। देखिए जो मैंने बताया था ट्वेल्थ वाले आवेदन कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं, बेझिझक आवेदन कर सकते हैं। काउंसलिंग जुलाई में शुरू होगी, रिजल्ट जून में आ जाएगा, जुलाई में फर्स्ट सीट अलॉटमेंट अगस्त तक होगा, तब तक आराम से वो हो सकता है जो काउंसलिंग जुलाई में होगी। 12वीं का रिजल्ट आ जाता है मई में, और आर्ट्स का रिजल्ट कभी कभी जून तक जाता है, वरना वो भी इस बार मई में ही आने के पूरे पूरे चांस हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन फी का हमने आपको बता दिया है। आवेदन एज में जो छूट है वो एससी एसटी ओबीसी और एमबीसी के लिए 5 साल की है, एससी एसटी ओबीसी एमबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए 10 साल की है, विधवा तलाकशुदा एवं परित्यक्ता के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है, दिव्यांगों के लिए सामान्य के लिए 10, ओबीसी एमबीसी के लिए 13, एससी एसटी के लिए 15 साल है। इसके अलावा ऐसे आवेदक जिनमें शारीरिक दोष हो उसके द्वारा किए जाने वाले अध्यापन कार्य में बाधा डाले, जैसे गूंगा होना, बोलने में असमर्थ होना, पूर्ण रूप से बहरा होना, दोनों हाथों का नहीं होना, जिसे श्यामपट कार्य नहीं कर सके, दोनों पैरों का नहीं होना, जिसके समक्ष कक्षा में खड़ा नहीं हो सके आदि पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, अतः ऐसे आवेदक आवेदन नहीं करें। इसके अतिरिक्त अन्य दिव्यांग पात्र होंगे, कि ये जो हैं वो दिव्यांग आवेदन नहीं करें, ये जो दिव्यांग की कैटेगरी है वो आवेदन नहीं करें। तो इसके अलावा जो भी और इसकी जो सिलेबस है उसमें उसकी जानकारी हम आपको यहां पर दे रहे हैं। सिलेबस में ये देखिए, सारा सिलेबस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप rklearn.in वेबसाइट पर विजिट करके या बीएसटीसी सिलेबस 2020 rklearn लिख के ये सिलेबस आप पा सकते हैं। सारा सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा जो एग्जाम पैटर्न है वो आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं। टोटल 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू जो लिखा हुआ होता है उसका फुल फॉर्म होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 600 मार्क्स के होंगे। इसमें राजस्थान जनरल नॉलेज और जीके 50 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे।
मेंटल एबिलिटी 50 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे। लैंग्वेज एबिलिटी संस्कृत के 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। हिंदी के 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के होंगे। अगर जो संस्कृत से नहीं है उसका ये पार्ट हट जाएगा, जो जिसने संस्कृत से अप्लाई नहीं किया उसका ये पार्ट हट जाएगा। लैंग्वेज एबिलिटी में जो संस्कृत है वो पार्ट हट जाएगा, और अगर संस्कृत है तो ये सारे एप्लीकेबल होंगे, उसमें इंग्लिश और हिंदी का पार्ट हट जाएगा। तो इस हिसाब से ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उसमें इंग्लिश का पार्ट हट जाएगा, हिंदी का रहेगा, और जो संस्कृत से है उसके लिए ये एक पार्ट ऑलरेडी हट जाएगा। तो ऐसी है ये यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन। इसके अलावा आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट rkala.in पर विजिट करके देख सकते हैं, लिंक हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।